हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो सीरीज। इसमें बात करने वाला हूँ लाइटनिंग अरेस्टर पार्ट टू के बारे में। इससे पहले बात की जाए तो पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर और टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर क्यों यूज करते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हम देखते हैं बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं बट बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है और ऑन साइट भी समझाया गया है कि साइट पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टैक किसको कहते हैं, कितने स्टैक के होते हैं और कौन सी लाइटनिंग अरेस्टर हम अभी यूज कर रहे हैं करेंट में और कितने टाइप्स के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें बात करने वाले हैं 12 टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। 12 टाइप, अब चौंकिए मत, 12 टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट है जो हम अभी कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा गैप जिंक ऑक्साइड गैपलेस अरेस्टर होता है, इसको हम यूज करते हैं, हॉर्न गैप यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा और किस लिए यूज करते हैं। हम टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इसमें डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी अरेस्टर होती है और किस तरह की होती है, कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको बात बताएंगे रेटिंग ऑफ एलए के बारे में बात करेंगे, सर्च काउंटर के बारे में बात करेंगे और बेसिकली ये सब चीज़ों के बाद। बट मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मैं देखता था, नेट पे ढूंढता था कि इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी बेस पे इसको डिजाइन किया गया है। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा जिससे आपकी टाइम बर्बाद हो। मैं आपकी टाइम की कीमत को देखते हुए मैं बहुत शॉर्ट तरीके में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बट जब आप 5 वीडियो आप देख लेते हो उसके बाद जरूर कमेंट करना कि आपकी कोई टॉपिक छूट गई है इंटरव्यू के रिलेटेड, तो मैं उसे भी कवर करूंगा। बट ऐसा नहीं होगा कि इसमें छूट सकती है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे मैं कवर करने वाला हूँ। कैसे आपको बताता हूँ, एक छोटी सा आपका 2-3 मिनट और 1 मिनट, एक बार ऑपरेशन होता है तो क्या हम रीयूज कर सकते हैं, ऑपरेशन होने के बाद हम रीयूज कर सकते हैं एले को, करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। या एले कैसे पता करें कि हमारा एले खराब हो गया है, इसकी लीकेज करंट कितनी होती है, कमीशनिंग टाइम कितनी होती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस टाइम कितनी होती है, 2 साल बाद कितनी होती है, 4 साल बाद कितनी होती है और इसका आईआर वैल्यू कितना होता है, सब कुछ एक वन बाई वन मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा विद ड्रॉइंग के साथ। आपकी सपोर्ट देते रहिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, हम एक एक चीज़ें बताएंगे। आप 5 वीडियो जरूर देखो, उसके बाद मुझे जरूर बताओ, उसके बाद लगे कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा है तो आप जरूर शेयर करो और उसके बाद आप मेरा जैसे ही 1000K कंप्लीट होता है तो आपको विजिट करवाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपको सबसे एक एक इक्विपमेंट के साथ विजिट करवाऊंगा, ड्राइंग के साथ, एक ड्राइंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ साथ कैसे कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, सब कुछ एक एक चर एक्सप्लेन करूंगा रियल में, मैं वादा करता हूं। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और प्यार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप एले देख रहे हैं ना, ये हमारा स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 लाइन से कनेक्टेड है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 2 से कनेक्ट आर वाई बी, देख रहे हैं ना। इसमें ये जो गोल गोल लगा हुआ है क्या है, ग्रेडिंग रिंग है। ग्रेडिंग रिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं बताइए, आप जानते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 ग्रेडिंग रिंग टॉप में कनेक्टेड है और ये हमारी लाइन से कनेक्टेड है, फेस टू फेस कनेक्टेड है, सभी फेज में कनेक्टेड है, फेज और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कनेक्टेड होती है एले। और ये पास में आपका सर्ज काउंटर लगा हुआ है, इससे एक कॉपर की एक केबल कनेक्टेड है सर्ज काउंटर से, 70 mm की कॉपर होती है वो कनेक्टेड है। और ये काउंटर क्या करती है, क्यों यूज करते हैं, वो इसी वीडियो में एंड में आपको बताया जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर यूज क्यों करते हैं, वो चीज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। बट आज का टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक है आज का टाइप ऑफ एले, रेटिंग ऑफ एले, सर्ज मॉनिटर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये 4 टॉपिक्स है और बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है जिसको जानने की जरूरत है आपको। एले जनरली हम लोग पढ़ते हैं बुक में और जानते भी है, बट इसमें से 4 जो एले होते हैं उसको हम बेसिकली फील्ड पे देखते भी होंगे, स्पीयर गैप, हॉर्न गैप, स्पीयर गैप, हॉर्न गैप, रोड गैप, प्रोटेक्टिव गैप अरेस्टर्स, मल्टी गैप अरेस्टर, इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर्स, आप देखते हो अरेस्टर, थेराइट लाइटनिंग अरेस्टर, ऑटो वाल्व अरेस्टर्स, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर्स, मल्टी गैप अरेस्टर्स, मेटल ऑक्साइड लाइटिंग अरेस्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर्स, अरेस्टर्स जो आपको दिखाया मैंने स्टार्टिंग में, जिंक ऑक्साइड गैपलेस अरेस्टर है वो हम लोग यूज करते हैं EHV सबस्टेशन में। रोड गैप अरेस्टर आप देख सकते हैं, आप जनरली LT ट्रांसफॉर्मर में आप जाते होंगे तो साइड में कनेक्टेड इंस्टॉल किया हुआ रहता है इस तरह का इंसुलेटर, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। हम लोग न जानते हुए कुछ भी बोल देते हैं बट इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, जो वहाँ प्लेस किया रहता है। एक होता है ये जो कनेक्टेड है, ये कॉपर की होती है या एल्युमिनियम की होती है, ये 10 mm की हमारी कॉपर रड है और एक ग्राउंड से कनेक्टेड होती है 10 mm की, इसके बीच गैप होती है, एयर सील्डेड होती है इससे। जब बॉटम में आप देख सकते हैं ये हमारा
ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये कॉपर का केबल है जो हमारे अर्थ से कनेक्टेड है। जब भी इस सिस्टम से हाई वोल्टेज पास सिस्टम से हाई वोल्टेज पास करती है तो ये क्या करती है, एयर यहाँ पे आयनाइज हो जाती है। आयनाइज हो जाने के बाद ये फ्यूजन होती है। फ्यूजन होने के बाद यह लो पाथ क्रिएट करती है। क्रिएट करने के बाद यह डायरेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में ओवर वोल्टेज ग्राउंड हो जाती है। आप देख सकते हो लाइन से कनेक्टेड है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये एयर ये गैप है, एयर फील्ड है, एयर फील्ड। आप देखो ना, व्हेन देयर इज अ हायर वोल्टेज ऑन द लाइन एंड द एयर आयनाइज प्रोड्यूसिंग दिस स्पार्क इन द फ्यूजन द फॉल्ट अ करंट पासेस टू द अर्थ, है ना। और लाइटनिंग अरेस्टर कैसे वर्क करता है वो तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी। मैं दिखाना चाहता था कि हाँ होता क्या है और किस तरह से देखते हैं। आप जनरली देख सकते हो हॉर्न रोड गैप, जनरली कहीं भी आप जाओ एलटी ट्रांसफॉर्मर पे आपको दिख जाएगा हॉर्न गैप अरेस्टर। आप देखो ये भी देखते होंगे पोल वोल पे कनेक्टेड, पोल पे इस तरह से डिजाइन किए हुए रहते हैं। ये जो देखिए रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फील्ड है और इसमें गैप दिया हुआ है, इस गैप को किस तरह से कनेक्टेड होता है। जाओ ना, जब जाओगे तो दिखेगा इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। बट ये फोर्स फोर्स क्रिएट होता है। फोर्स क्रिएट होने के बावजूद देखो दिस टू आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल एयर गैप। स्मॉल एयर गैप से सेपरेट होती है और कनेक्टेड इन द शंट बिटवीन द ईच कंडक्टर एंड अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज ऑप्टिमम। दिस डिस्टेंस इज फिल्ड विद द एयर एंड दैट आयनाइज ऑन द फॉल्ट करंट पासेस। Hence the fault current is the passage to the earth and the inherent damage to stop कर देगी। और spare gap की बात करें तो देखिए ये पुराने टाइम की ये lightning arrestor है। ये जो ground से connected है और ये हमारे line से connected है। ये transformers हैं, ये binding one, binding two, binding three, तीनों R, Y, B connected है, chalk coil है और spare है। और चीजें इस तरह सेम वर्क करती है, ऐसा नहीं कि वर्क प्रिंसिपल अलग हो गई है। देखिए गैप है, एयर गैप दिया हुआ है, बहुत कम एयर गैप दिया हुआ है। उसके बाद हम जनरली अब इस पर डिस्कस करने वाले हैं जो ये हमारा जो है गैपलेस जिंक ऑक्साइड अरेस्टर, जो हम जनरली हर जगह पे देखते हैं। जहां भी आपकी नजर जाएगी तो ये जिंक ऑक्साइड अरेस्टर ही मिलेंगे मैक्सिमम लेवल पे। ये क्या करता है, ये मेटल मेटल शील्डेड होता है, इसमें कोई गैप नहीं होती है। इसमें जिंक ऑक्साइड सेमी कंडक्टर एज ए रजिस्टर मटेरियल यूज किया जाता है। जब इसमें हाई वोल्टेज पास करती है इस अरेस्टर से तो ये जो जिंक ऑक्साइड सेमी कंडक्टर रजिस्टर्स है वो लो पाथ रजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिससे हमारा हाई वोल्टेज आसानी से ग्राउंड हो जाती है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। आप देख सकते हो ये एसी और डीसी और वोल्टेज के लिए भी हम यूज करते हैं। लेटेस्ट में यही यूज हो रही है सभी जगह, आप ध्यान से देख सकते हो। और रेटिंग ऑफ एले की बात की जाए, 12 kV की आपके पास वोल्टेज सिस्टम है तो उसकी रेटिंग होती है 10 kV। 33 kV की सिस्टम है तो 33 kV हम नहीं देते हैं, 30 kV देते हैं। क्यों देते हैं उसका कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा। आप देख सकते हो फेस टू फेस लगा रखा है, उसमें 30 kV ही क्यों देते हैं। अब देखो ना यहाँ पे नेम प्लेट दिया हुआ है 30 kV, देखो जो इक्विपमेंट है उसके 30 kV हम यूज करते हैं। 33 kV 30 सिस्टम वोल्टेज है बट हम 30 kV यूज करते हैं। क्यों करते हैं बताएंगे आपको। 122 kV की सब स्टेशन है उसमें 122 kV, 220 kV की सब स्टेशन है वो 198 kV हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सर्ज काउंटर। सर्ज काउंटर होता क्या है, व्हाट इज सर्ज काउंटर, मेरा टॉपिक है। सर्ज मॉनिटर इज यूज टू रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक। क्या कर रहा है, लाइटनिंग स्ट्रोक जब भी आती है तो सर्ज मॉनिटर क्या कर रहा है, ये इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, एनालिसिस करने के लिए कितना बार स्ट्रोक आया, कंटिन्यू तो नहीं आ रहा है। ये चीजें हम लोग देखते हैं इसके माध्यम से, सर्ज काउंटर के माध्यम से, सर्ज मॉनिटर के माध्यम से। इसको दो तरह से नाम बोल सकते हैं, सर्ज काउंटर, सर्ज मॉनिटर्स। ये हमारा लीकेज करंट मेजरमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिसे हम करंट मेजर करते हैं। जब भी लीकेज करंट फ्लो होती है मैक्सिमम, जब नॉर्मल कंडीशन में फ्लो होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन जोन में होगी। जब भी आपके ज्यादा में लेवल पे फ्लो होना स्टार्ट करती है तो रेड जोन में आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका लिखा हुआ है, पहले हम बताना चाहते हैं, सर्ज मॉनिटर आर यूज टू रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ द लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन द पर्टिकुलर लाइटनिंग अरेस्टर ऑफ द फेज टाइम रीडिंग एंड इट्स रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन टू एनालाइज द फॉल्ट्स ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक इन द सिस्टम। ठीक है, एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं उसको। लीकेज करंट ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर इन केस द रीडिंग आर द फाउंड इन द डेंजर जोन द लीकेज करंट मीटर द लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली न्यू वन विदाउट एनी डिले। जब भी आपके रेड जोन में आ जाएगा तो विदाउट डिले आपको चेंज करना है। ये तो मैंने आपको आसानी से बता दिया कि आपको चेंज करना है, बट कैसे चेक करेंगे वो चीजें मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताने वाला हूं आपको क्या क्या चेक करनी है, थर्ड हार्मोनिक जब ऑनलोड में चेक करना है कितना आता है क्या चीज, सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए एक सी आपको आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन मेक होती है, तो आप बता सकते हो सीजीएल की होती है ओमी, उसके बाद होती है आपकी ओबलम की होती है, उसके बाद अलस्टम की होती है,
ये सब चीजें बहुत जनरली यूज करते हैं, और ओबलम बहुत ज्यादा यूज हो रही है हर जगह पे। ओबलम आपको मिलेगा सर्च काउंटर और सर्च अरेस्टर, और आपसे सर्च काउंटर के मेक नहीं पूछा जाएगा, ओनली सर्च लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा मेक होता है, तो आप बता सकते हो ना सीजीएल, ओबलम, ओबलम और ऑलस्टम, ठीक है। और इसलिए हम यूज करते हैं, करंट मेजर करते हैं, लीकेज करंट मेजरमेंट करने के लिए सर्च काउंटर का यूज करते हैं, और काउंटर जो काउंटर हम लेते हैं, जो काउंटर लेते हैं वो हम इवेंट को, जो भी लाइटनिंग स्टॉक कितना बार आता है तो वो स्टॉक कितना बार ऑपरेट होती है, लाइटनिंग अरेस्टर कितना बार ऑपरेट होती है, उस इवेंट को वो रिकॉर्ड करता है, जिससे हमें पता चल जाती है कितना स्ट्राइक स्टॉक हमारे सिस्टम पे आई है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग आप काम करने जाते हो तो ध्यान रखना है कि हम लाइव में ये चीजों को कैड आउट नहीं करेंगे। चीजें जो ही डेली मॉनिटरिंग सिस्टम है, हम डेली जाके काउंटर देख सकते हैं, लीकेज करंट मेजरमेंट देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर डेंजर जोन में है तो इमीडिएट आप इन्फॉर्म करें अपने बॉस को और बताएं कि हाँ ये सर ये लाइट अरेस्टर जो है ये रेड जोन में शो कर रही है, इमीडिएट हमें बदलने की जरूरत है। तो वो पूछेंगे कैसे, तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको काम करने की जरूरत पड़े तो आप पहले आप क्या करना कि जब आपकी रेनिंग सीजन हो, जब बारिश का समय हो, तो उसके पास जाना जरूर, बट उसको कुछ छेड़छाड़ कुछ भी मत करना, क्योंकि आप उसको ओपन भी मत करना, किसी तरीके से ओपन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइट बारिश के समय में बहुत ज्यादा स्टॉक आती है। इसलिए आपको सतर्कता बरतनी है, जब भी हमारे सिस्टम ऑफलोड में जाती है या शटडाउन कंडीशन में जाती है तभी हम यूज करेंगे, काम करेंगे इस पे, इसकी क्लीनिंग करेंगे, उस क्लीनिंग करेंगे, इसका आईआर चेक करेंगे, बहुत सी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर देखेंगे कि हाँ इसका वैल्यूज कितनी आ रही है, इसका जो अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, इंडिविजुअली देखना भी है। और जब भी हम अपने मैन पावर को यूज करेंगे इस वर्क के लिए, तो उसकी सेफ्टी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस काम को कैरी आउट करने के लिए हम अलाउ करेंगे। उससे पहले चेक करेंगे कि ये सॉलिड ग्राउंडिंग हमारे मेन पावर ने किया है या नहीं किया है, वो चीज को भी देखना है। सॉलिड ग्राउंडिंग करने के बाद इस पे आप काम करने की अनुमति दे, अन्यथा हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।